नमस्कार दोस्तों। क्या आपके दिनेश सर आ गए आपके सामने हैं? ठीक है, बच्चों सबसे पहले क्लास को अच्छे से शेयर कर दो। ठीक है, अपने क्लास स्टार्ट कर चुके हैं तो क्लास को अच्छे से शेयर करें अपने साथियों के साथ में। बच्चों वॉइस के बारे में बता दे, कैसे क्या है? बिल्कुल सही है कि नहीं है? ठीक है, मेरा जो वीडियो है जो आपको दिख रहा है वो सही चल रहा है या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कर दिए शेयर बच्चों? आ गए लगभग, चलो अच्छी बात है। क्या मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? बिल्कुल, दो उंगलियां दिखा करके हैं। तो बच्चों आज चलते हैं, थोड़ा धीरे हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिंदगी में, तो सभी प्रॉब्लम से लड़ते हुए अपनों को आगे बढ़ना होता है। ठीक है, ये सभी के हैं और ये प्रकृति का नियम है, जब तक आप समस्याओं से लड़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो कुछ समस्याएं आती रहती हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देव कुमार बिल्कुल स्वागत है आप सभी का और गुड इवनिंग आप सभी को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपको, क्या कहता है पहला क्वेश्चन बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द डब्ल्यू एच ओ इज हैज गिव दैट कीज ऑफ सेफ फूड एट होम एंड रेस्टोरेंट्स और लोकल मार्केट्स। ठीक है, हमारे जो तो यहाँ पे अपना क्या कहना चाहता है कि भाई हमारे जो सेफ फूड है, फूड जो हमारी फूड सेफ्टी है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो कितने हमारे को फूड सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं कितने होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट बात करें 2, 3, 5 एंड 6। ठीक है, फूड सेफ्टी मेजर्स होम। ठीक है बच्चों, जो हमारे घर हैं, छोटे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं 5 स्टार से लेकर के आपके जितने छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। लोकल मार्केट्स के ऊपर जैसे पतासी वाले रिंग की, तो कितने फूड सेफ्टी होने चाहिए अपने पास में, अप्रोक्सीमेटली कितने सेफ्टी होनी चाहिए? भी बता रहे हो बच्चों, सभी को कमेंट करना जरूरी है, सब कमेंट करो। ठीक है, जितने अच्छे से कमेंट करोगे उतने अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट आपको सभी को करना है। ठीक है, रवि भी बता रहे हैं बहुत अच्छे, करिश्मा जी भी बता रहे हैं बहुत अच्छे। गुड इवनिंग वैसे ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बच्चों यहां पर बात करें तो 5 मेजर्स अपने पास होते हैं। ठीक है, 5 मेजर्स में की बात की जाती है। ठीक है, जो भी आप फूड कर रहे हो उसको किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से प्रिजर्व करना है, धो करके उनको रखना है। ठीक है, आप यूज कर रहे हो तो उसकी जो कटिंग है, यूजिंग में बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी रहनी चाहिए। तो प्रॉपर 5 प्रकार के आपके मेजरमेंट्स होते हैं, उनको हमें यूज करना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 होते हैं बच्चों, 5 सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उनको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव के लिए स्टरलाइजेशन का जो है, तो वो जो टाइम है बच्चों, टाइम कितना रिक्वायरमेंट होता है एक प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए? विशाल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, आपने आंसर किया, 5 आपका आंसर रहेगा। ठीक है,
तो यहां पे बताइए कितना होगा। करिश्मा जी ने बताया, बहुत अच्छे। शाहरुख डी बता रहे हैं बच्चों। और भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भागीदार बने, ठीक है। आज नाइट वाली बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो उसको थोड़ा फोकस में आपको करना है, सभी के साथ शेयर, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी अच्छी क्लास होने वाली है नाइट वाली, नाइट वाली बहुत अच्छी क्लास होने वाली बच्चों। तो क्लास जो नाइट क्लास है तो सभी के साथ शेयर करना है, दिनेश सर की होगी। अभी अपने बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल जो क्वेश्चन है उनकी, तो यहां पे अपने बात करें तो स्टरलाइजेशन ऑफ ऑटोक्लेव के द्वारा जो टाइम किया जाए कि भाई कितने टाइम में मेरे को प्रॉपर स्टरलाइजेशन मिलेगा, तो डी आंसर होगा आपका 15 से 20 मिनट, ठीक है। 15 से 20 मिनट क्या लगेगा ऑटोक्लेव में टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइम टेकिंग फॉर ए बेबी टू एम्पिटी एम्पिटी वन ब्रेस्ट एस इज ए। या बच्चों ये पूछना चाहता है कि एक बेबी के द्वारा, ठीक है, जो मदर का ब्रेस्ट है उसको एम्पिटी करने में कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगाता है, कितना टाइम लगता है, क्या 7 से 9 मिनट लगती है, क्या 10 से 12 मिनट लगती है, या 10 से 15 मिनट लगती है, या फिर 5 से 10 मिनट लगती है। एम्पिटी मतलब बच्चों होता है कि जो बच्चा है मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर जा रही है, तो एक ब्रेस्ट को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल विशाल, हमारा 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, प्रेशर हमारा 15 LBS रखा जाता है ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है, और 15 से 20 मिनट इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कितना टाइम लगाएगा एक एम्पिटी करने में, ब्रेस्ट को पूरी तरीके से एम्पिटी होने में। तो विशाल ने सी बताया, बहुत अच्छे। ज्योति बिल्कुल सी बता रही है, ठीक है, बहुत अच्छे। हमारे को एम्पिटी, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक ब्रेस्ट को खाली होने में लगभग कितना टाइम लगने वाला है, 15 से 20 से 10 से 15 मिनट हमारे को लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज गिव। बच्चों बीसीजी वैक्सीन की कौन से रूट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, कौन से रूट के द्वारा दिया जाता है बीसीजी। पहली बात करें यहां पे तो इंट्रामस्कुलरी, सेकेंड बात करें जाए तो सबक्यूटेनियस, सी ऑप्शन की बात करें तो इंट्राडर्मस, एंड लास्ट में हमारा इंट्रावेनस। कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, कौन से रूट के द्वारा हम क्या करें ब्रेस्ट, जो कौन से रूट के द्वारा बीसीजी बच्चों बीसीजी वैक्सीन का दिया जाएगा बच्चों। लेफ्ट आर्म पे लगता है, लेफ्ट अपर आर्म पे, ठीक है। इसका ये वर्ल्ड वाइड जो साइन में बात करूं कि ये वैक्सीनेशन, तो लेफ्ट अपर आर्म पे लग रहा है। 1 ईयर के अंदर दे सकते हो, 1 मंथ की इसकी बात करी जाए तो 1 मंथ के अंदर दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल 1 मंथ के अंदर दे सकते हो, 1 साल तक इसको दे सकते हो, 1 साल से कम टाइम में रखना होगा इसको, ठीक है। बेस्ट टाइम की बात की जाए, यदि पूछता है आपसे कि आपकी बीसीजी का वैक्सीन का जो बेस्ट टाइम है वो कितना रहने वाला है, तो बर्थ होने से 4 to 6 आवर्स, ठीक है। और इसमें भी बोला जाए कि इसमें बेस्ट आवर्स क्या होगा, तो 4 आवर्स, विद इन 4 आवर्स के अंदर यदि आप वैक्सीनेट कर देते हो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहेगी बीसीजी की, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट कर किया जाता है इसे। और मैं बात करूं तो ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये किससे प्रिवेंट नहीं कर रही अपनों को, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट नहीं करती है, 0% इसका प्रेवलेंस होता है। और मैं बात करूं प्रिवेलेंस इसका, मैं बात करूं तो यहां पे अपना रहने वाला है नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम या मेनिनजाइट, जो ट्यूबरक्लोन मेनिनजाइटिस होता है उससे ये प्रिवेंट करता है मेनली, ठीक है। बिल्कुल, ये पाउडर फॉर्म में होती है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर यूज किया जाता है, डिजिटल वाटर इसके साथ आता है, लेकिन डिजिटल वाटर अपने यूज नहीं करते, ये बच्चे के लिए इरिटेबल होता है ज्यादा, तो बच्चे को क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, बच्चा रो सकता है, इससे अपने क्या करते हैं नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं, ठीक है। एक वायल के अंदर 20 डोजेज अपने यूज में आती है, ठीक है, एक वायल से हम 20 जो डोजेज है वो लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे मेरे प्यार बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वॉट इज द डेंजरस जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ए फूड फूड हैंडलिंग। बच्चों क्या होगा,
होगा बच्चों? बी बता रहे करिश्मा जी, सुनील सी बता रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों। ये डिग्री फारेनहाइट है, जीरो हो गया है, कंप्यूटर ने इसको जीरो कर दिया है यहां पे, ठीक है। डिग्री फारेनहाइट की बात कर रहा है, ठीक है, डिग्री फारेनहाइट की। कितना होगा आपका आंसर यहां? आपका आंसर देव कुमार बिल्कुल गलत है यहां पे अभी, ठीक है। तो यहां पे सी आपका आंसर जाएगा, ठीक है। फूड हैंडलिंग की बात कर रहा है, डेंजरस के टेम्परेचर की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा ये टेम्परेचर रहता है जहां पे आप यूज करो इस फूड को, ठीक है। जैसे अपनी बात करें कि फूड गर्म है, ठीक है, अभी जल्दी आपने बना लिया और बनाते ही खाने लग रहे हो, तो इतना टेम्परेचर होगा यदि फूड का तो वो ज्यादा डेंजरस है, इससे बिलो अपनों को यूज करना है, ठीक है। लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर के आसपास आपको लेके आना पड़ेगा फूड को, नहीं वरना ये आपके इंटरनल मुकोजा, माउथ मुकोजा है, उनको जलाने का कंडीशन रहेगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच पोजिशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव करेक्ट मेजरमेंट। बच्चों कौन सी पोजिशन के अंदर हम बीपी का, ठीक है, बीपी मेजरमेंट करते हैं, कौन सी पोजिशन के अंदर बेस्ट अच्छा मेजरमेंट देगा, कौन सा अच्छा लेवल रहेगा? कोई बात नहीं नीतू, कोई बात नहीं, अब आ गए, अब थोड़ा बेस्ट अपने देने की कोशिश करो। रीना सी बता रही है, बहुत अच्छे बच्चों। बीपी मेजरमेंट की बात करते हैं तो बीपी का जो आपका कफ साइज है वो भी डिफरेंट होगा, तो आपके लिए मेजरमेंट भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे पेशेंट की पोजीशन की बात कर रहा है, पेशेंट यदि सिटिंग पोजीशन में है तो आपका जो हैंड है वो क्या होना चाहिए, हर्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए, और इस ऑप्शन को सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बताता है, ठीक है। हम लेटे हुए हैं तो भी आपका हाथ है वो किस लेवल पे होना चाहिए, हैंड लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, सॉरी हर्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए। यहां पे आपका जो बीपी है बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होगा पेशेंट का, यदि उसमें कुछ भी चेंजेस है तो अच्छे से मेजरमेंट आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बात करें, द असेसमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है बच्चों। एक सिक यंग जो इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट बच्चों क्या है, सिक है मतलब बीमार है, यंग इन्फेंट जिसमें अपने बात करें तो साइनिंग की बात करी जाए कि उसकी तबीयत खराब है तो वो क्या चीज को लेफ्ट करेगा, किस चीज को नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट की बात करेगा। तो यहां पे मैं बात करूं किसकी बात करेगा, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे। यहां आपका आंसर क्या जाएगा, सी, ठीक है, इग्नोरिंग इट, ठीक है। इस टाइम में हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उससे हमें पूछना चाहिए, ठीक है, उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, उसकी कंडीशन को हमें देखना चाहिए, इग्नोरिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बीसीजी के बारे में पूछ रहे हैं, और बीसीजी इफ नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड अर्लीस्ट कैन नॉट बी गिव अप टू, ठीक है, हम बीसीजी कब नहीं दे सकते, ठीक है, बच्चे की क्या एज हो तब बच्चे को अपने बीसीजी का वैक्सीन नहीं देना चाहिए, नहीं देंगे। कौन सी कंडीशन, क्या 6 मंथ पर, क्या अपने 12 मंथ पर, या 18 मंथ पर, या फिर 24 मंथ पर, चॉइस। 6 महीने का है बच्चा, या 12 महीने का है, या 18 महीने का है, या फिर 24 महीने का है, तो हम 12 महीने तक के यदि छोटा है 12 महीने से तब तो अपने यूज कर सकते हैं, 12 महीने बाद अपने यूज नहीं करेंगे। आपका आंसर जाएगा बी, ठीक है बच्चों, बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बच्चों, जापानीज एंसिफिलाइटिस जेई, जापानीज एंसिफिलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, बच्चों जापानीज एंसिफिलाइटिस की बात कर रहा है, ठीक है, जापानीज एंसिफिलाइटिस की बात कर रहा है, तो यहां पे अपने बात करिए कि ये किसके द्वारा, कौन सा इसका वेक्टर होगा, किसके द्वारा फैलता है, बच्चों आपके जो YouTube चैनल पे बेल आइकन है उसको आप दबा दीजिए, जब भी क्लास शेड्यूल होगी तब मैसेज आ जाएगा, क्लास चालू होगी तब भी आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो एक बेल आइकन है आपके पास में, उसको आप ऑन करके रखें, ठीक है, तो बड़े अच्छे से आपको पता लग जाएगा, ठीक है नीतू जी,
तो बच्चों यहां पे आपका जो ट्रांसमिट होता है वो आपका कॉलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर होता है, ये वेक्टर होता है, मॉस्किटो है, और जिसके द्वारा क्या होता है, जैपनीज एंसेफलाइटिस ट्रांसमिट हो जाता है या किया जाता है इस वेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहां पे आपके लिए एक टेबल है और ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर बोर्न डिजीजेस के अंदर देखा जाए तो यहां पे अपने मलेरिया है वो आपका तो चलो बच्चों, तो यहां पे आपके सामने टेबल है और इस टेबल के ऊपर बात करी जाए तो कौन से डिजीज को कौन से वेक्टर के द्वारा क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। वेक्टर बोर्न डिजीजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मोहन बिल्कुल गुड इवनिंग, आपका स्वागत है, बहुत अच्छे। बच्चों अच्छे से क्लास को शेयर कर सकते हो, शेयर करना चाहिए आपको सभी के साथ में, ठीक है। आपके जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ आप शेयर करो क्लास को। यदि आपकी क्लास के क्वेश्चन सबको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बच्चों क्लास को जरूर शेयर करें। अभी यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पे वेक्टर बोन डिजीजेस की बात की थी तो ये कुछ टेबल आपके सामने, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिल्क टू किल कुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक है बच्चों। यहां पे दूध को गर्म कर रहे हैं तो दूध को गर्म करते समय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बिल्कुल बताऊं। यहां पे अपने बात करें तो आपका जो स्टरलाइजेशन है ये प्रोसेस नहीं कहलाएगा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा होगा। देखो बच्चों यहाँ पे मिल्क जो है गर्म कर रहे हैं अपने, और गर्म करते हैं किसी चीज को भी तो वहां पे अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। पास्चराइजेशन के द्वारा आप क्या करते हो, किल करते हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एम्बुबेक। बच्चों एम्बुबेक यूज कब किया जाता है, एम्बुबेक होता है क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्बुबेक यूज किस लिए यूज किया जा रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्या कहता है, टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिसस्ट्रेशन, या फिर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, टू इंप्रूव ब्रीथिंग। सी ऑप्शन क्या कहता है, टू इन एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के दौरान, या फिर मैं बात करूं डी ऑप्शन, ऑक्सीजन इनहेलेशन मेथड, इसके अंदर अपने यूज करेंगे। बहुत अच्छे ललिता ने बिल्कुल ए आंसर किया है, बहुत अच्छे। करिश्मा जी बोल रहे हैं आर्टिफिशियल, बिल्कुल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट के रूप में यूज आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक बलून शेप का, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके का होता है, और इसके आगे एक क्या लगाता है, मास्क लगा रहता है, ठीक है। और आप क्या करते हो, मैन्युअली इसको प्रेस करके जो इसमें एयर होता है उस एयर को पेशेंट के एयरवे में पुश कर देते हो, इसलिए इसको मैन्युअली बोला गया, मैन्युअली ब्रीथिंग, ठीक है। और हम इसको यूज कर रहे हैं बच्चों यहां पे टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं उस दौरान अपने यूज करते हैं, तो ये बेस्ट आंसर है इसका, ठीक है, ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चाइल्ड हैज वीजिंग एंड आइदर फास्ट ब्रीथिंग, ठीक है। एक बच्चा है जिसको क्या हुआ, वीजिंग हो रही है, ठीक है, वीजिंग साउंड्स आ रहे हैं, आइदर फास्ट ब्रीथिंग, ठीक है, उसकी ब्रीथिंग है वो फास्ट हो रही है। नेक्स्ट मैं बात करूं, चेस्ट डोलिंग प्रेजेंस, ठीक है, चेस्ट डोलिंग प्रेजेंस मतलब आगे की ओर झुक रहा है बच्चा। The nurse should,
तो नर्स को क्या करना चाहिए उस दौरान, फास्टली नर्स क्या करेगी? ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक कंडीशन है जिसमें बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या हो रहा है, वीजिंग हो रही है उसको, और क्या हो रही है, फास्ट हो गई उसकी ब्रीथिंग, और नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, चेस्ट डूलिंग प्रेजेंस हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी? तो ऐसी कंडीशन बच्चे में हो क्या सकता है, तो नर्स क्या करेगी भाई, रेफर अर्जेंटली हॉस्पिटल टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल उसको अर्जेंट करेगी, या फिर मैं बात करूं गिव ट्रायल एक्टिन इनहेलर ब्रोंकियोडायलेटर इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर अप टू थ्री टाइम्स असिस्ट वाइटल साइन गिव विटामिन ए। तो क्या करना चाहिए नर्स को, तो नर्स क्या करेगी, इस बच्चे को क्या हुआ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो सकती है, या फिर बच्चे के अंदर क्या हो सकती है, क्या हो गया अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में बच्चे के अंदर वीजिंग साउंड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मूकस सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और बच्चे के अंदर क्या हुआ फास्ट ब्रीथिंग, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होगा, आप इनहेलर का यूज करो, ठीक है, ताकि उसका ब्रेन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ओपन ज्यादा हो, ब्रॉड हो जाए, ताकि रेस्पिरेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है, तो बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट विच वुड यू फर्स्ट एग्जामिन, ठीक है, एक केस आया आपके पास एक्सीडेंट का, तो एक्सीडेंट वाले केस के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए है बच्चों, बच्चों ये कहना चाहता है कि केस है एक्सीडेंट का, तो जैसे केस का फर्स्ट आया तो हम सबसे पहले क्या एग्जामिन करेंगे, एक बच्चों ऐसी कहानी है कि भाई आपका जो इनहेलर यूज कर रहे हो तो थ्री टाइम्स इसलिए है कि थ्री टाइम्स में आपको रिलीफ मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो एक बार और डोज बढ़ा सकते हो उसकी, ठीक है, जब तक आपको पेशेंट को रिलीफ ना मिले, बिल्कुल। बच्चों यहां पे अपने क्या करने वाले हैं, तो इन ए केस, ठीक है, एक्सीडेंट केस है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, सीधी सी बात है, तो यहां पर सबसे पहले हमें हेमरेज को चेक करना है, ठीक है, हेमरेजिक कंडीशन को असिस करना है पेशेंट के डी, ठीक है, पेशेंट का हेमरेजिक कंडीशन हमारे को असिस करना होगा, ठीक है। एक्सीडेंट का केस होता है बच्चों जहां पे अपनों को एक्सीडेंटली क्या हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, तो वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे, तो हमारे को हेमरेजिक जो साइन होंगे, हेमरेज की जो कंडीशन होगी उसको हमें असिस करना होगा, तो यहाँ पे आपका बी आंसर जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बच्चों कौन सी बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन हो सकता है, बिल्कुल शाहरुख बिल्कुल सही कहते हैं कि जब ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों क्वेश्चन रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, बच्चों साल्मोनेला होगा या विब्रियो होगा या कोले होगा या फिर आपका क्लेब्सिला होगा, क्या होगा बच्चों आपका आंसर, कोई बात नहीं बच्चों, गलत होते रहते हैं, गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन गलतियां बार बार हो रही हैं तो फिर वो माफ की के लायक नहीं होती ना, तो कोशिश करें अपने आप को बदलने की, और छोटी छोटी गलतियों से सीखोगे, सीधी सी बात है, जब तक गलतियां नहीं होंगी तो क्या होगा, ठीक है, सीख नहीं पाओगे। बच्चों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें, बिल्कुल, यहां पे आपका क्लेब्सिला है, उसके द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा ये कोज करता है, इकोलाई है बच्चों इंटेस्टाइन को कवर करता है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई है बच्चों, ठीक है, टाइफॉइड कंडीशन है, विब्रियो कोलेरी है जो कोलेरा कर रहा है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, टाइफाई इंटेस्टाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंडिया लेसिमेसिस इज अदर नेम ऑफ
अदर नेम ऑफ विच डिजीज, बच्चों कौन सी डिजीज है जिसका लिसेमेंसिस जो कंडीशन है दूसरा नाम क्या है उसका? बिल्कुल दिनेश सर ने बिल्कुल आप सभी को एक अच्छी न्यूज दी है, आप सभी के लिए ना शाम को अच्छी शानदार क्लास होने वाली है, तो जरूर आप अटेंड करें, अपने दोस्तों को भी लेकर आए और क्लास को भी शेयर करें अदर फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है बच्चों। जापानीज एंसेफेलाइटिस का अदर नेम नहीं होता बच्चों, यहाँ पे मैं बात करूं ये जो नेम है इसका अदर नेम जो है आपका जो काला अजार डिजीज है उसका नेम है, काला अजार का दूसरा नाम कहा जाता है, ठीक है। इंडियन लेसिमेसिस जो कंडीशन है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आंसर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आर एन टी सी पी, बच्चों आर एन टी सी पी इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज, कौन सी बीमारी के लिए हमारे ने प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, कौन सा प्रोग्राम? आर एन टी सी पी, ठीक है बच्चों। ये प्रोग्राम कौन सी डिजीज कंट्रोल के लिए, कौन सी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया? बिल्कुल आप सभी का आंसर ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है बच्चों। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। क्या नाम है फुल फॉर्म? रिवाइज नेशनल, सॉरी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। यहां पे अपने बात करें बच्चों, स्ट्रक्चर है आपका आर एन टी सी पी सी पी, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आपको एक पूछा जाता है कि नोडल पॉइंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहां होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट जो टीबी सेंटर होते हैं वहां पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे 1 से 5 लाख की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 से लेकर के 5 लाख पॉपुलेशन पे एक ट्यूबरक्लोसिस यूनिट होती है। और यहां पे मैं बात करूं यदि हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहां पे लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, 2.5 लाख जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर रहेगा, कहां पे? ट्राइबल हिली जो एरिया है वहां पर, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल जो एरिया है, ठीक है, तो वहां पे 1 से लेकर के 5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर क्या हो सकता है, एक ट्यूबरक्लोसिस का जो यूनिट है वो देखने को मिलेगा। तो आपसे ये नोडल जो पॉइंट है, नोडल पॉइंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस टीबी कंट्रोल, ठीक है, तो कहां होता है? तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है बच्चों, ओरल पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फॉर, बच्चों किसके लिए प्रिपेयर की जाती है? प्रिपेयर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, किस फॉर्म में वो देखने को मिलती है? क्या इसके अंदर किल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, क्या इसके अंदर लाइफ एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म होता है, क्या टॉक्सोइड होता है, क्या एरोबिक बैक्टीरिया होता है? बहुत अच्छे बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ओरल जो पोलियो वैक्सीन की बात करेंगे तो ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर क्या हो रहा है, आपका लाइफ एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, लाइफ एटेन्यूएटेड, ठीक है बच्चों। लाइफ एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया की क्या कर दिया आपने, पैथोजेनिसिटी को लॉस किया है, ठीक है, इन्फेक्टिविटी को लॉस किया गया और वायरल लेंथ की कैपेसिटी को लॉस कर दिया। वायरल लेंथ का मतलब होता है कि किसी भी बैक्टीरिया के वह कैपेसिटी जो एक और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड होने की जो कैपेसिटी हो उसको बोला जाता है वायरल लेंथ, और उस वायरल लेंथ कैपेसिटी को खत्म किया जाता है। इन्फेक्टिविटी के मतलब क्या आ सकता है कि बैक्टीरिया द्वारा बॉडी को इन्फेक्शन किया जाए, इन्फेक्ट करती है तो उसकी कैपेसिटी को लॉस कर देना, ठीक है। तो ये है 3 प्रोसेस के अंदर किया जाता है बच्चों, एक प्रोसेस जिसके द्वारा बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी, ठीक है, डिजीज कोज करने की कैपेसिटी, फैलने की कैपेसिटी
और क्या है उसके द्वारा जो एक्शन करने की जो कैपेसिटी है उसको लॉस कर देना ही क्या होता है एटेन्यूएटेड कहलाता है। और ये लाइफ एटेन्यूएटेड होता है, लाइफ मतलब जीवित होता है, ठीक है, लाइफ एटेन्यूएटेड। ओरल पोलियो वैक्सीन की कितनी डोजेस कितनी लगती है, 2 ड्रॉप्स लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमिताभ बच्चन ने दिया है ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कौन सा नहीं है, नॉट, ठीक है, विच इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। बच्चों कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, क्या होगा बच्चों, तो डी आंसर होगा बच्चों, ठीक है, डी आंसर, इमीडिएट वुंड क्लोजिंग नहीं करते हैं, ठीक है, इमीडिएट वुंड क्लोजिंग नहीं करते हैं। बाकी अपने देखते हैं कि वहां पे अपनों को टेंडरनेस देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वहां पे टेंडरनेस को थोड़ा सा रिप्ले करके और वहां पे क्या करना, रिपेयर करके थोड़ा सा वहां रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग के अंदर जो ब्लीडिंग के चांसेस है उसको खत्म किया जाता है, ठीक है, और दूसरा वहां पे क्लीनिंग की जा रही है, साफ किया जाता है जो वुंड एरिया है उस जगह पे, ठीक है, और बाकी अपने बात करते हैं ट्रीटमेंट के बाद उसको वुंड को क्लोज किया जाता है, जो फ्रैक्चर है उस जो फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट करके फिर क्लोज किया जाता है। तो अपने पहले इमीडिएटली क्लोज नहीं करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर, ठीक है, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो मलेरिया कॉज्ड बाई बच्चा यहाँ पे मलेरिया की एक फॉर्म होती है, ठीक है, तो वैक्सीन जो है मलेरिया की एक फॉर्म है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो उस ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, बिल्कुल प्रेमिक्विन 0.25 mg पर केजी के हिसाब से पर्सन को दी जाती है, ठीक है, इसके अंदर मलेरिया की कंडीशन के। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट। बच्चों IDSP, ठीक है, IDSP जो प्रोग्राम है ये किसके लिए आया था, कौन सी कंडीशन के लिए लॉन्च किया गया था और कौन सी कंडीशन नहीं होगी इसमें, ये पूछना चाहता है, ये एक्सेप्ट की बोल रहा है। तो बच्चों यहां पे टिटनेस होगा, एंटेरिक फीवर होगा, डायरिया होगा या रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होगा। बच्चों IDSP की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो यहां पे मैं बात करूं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, ठीक है, सर्वेलेंस प्रोग्राम, ठीक है, यहां पे अपने बात करें तो डॉक्टर गौरव के द्वारा दिए गए, ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसके जो चेयरमैन है वो ये थे गौरव, बच्चों एक्सेप्टेड टिटनेस, ठीक है, जो मौसमी डिजीज होती है, जो मौसम के द्वारा मौसम के चेंजेस की वजह से जो डिजीज का प्रकोप बनता है ज्यादा, ठीक है, उन डिजीजेस के लिए क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर मैं बात करूं तो टिटनेस है ये नहीं आता, जबकि एंटेरिक फीवर है, डायरिया है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, ये क्या करते हैं मौसम के चेंजेस की वजह से, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होगा, क्या डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया या आपका फाइलेरिया क्या होगा,
बिल्कुल टिटनेस टॉक्सॉइड है बच्चों, टीटी। बच्चों प्लाज्मोडियम क्या है? आपके एक मलेरिया कंडीशन है, मलेरिया की फॉर्म है, मलेरिया के टाइप्स के अंदर आता है, ठीक है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है, मलेरिया कोज किया जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी राइट्स शुड बी फॉलोइंग फॉलो फॉर सेल्फ इंजेक्शन सेफ इंजेक्शन डिलीवरी? बच्चों क्या कौन से राइट्स होंगे, कितने राइट्स होते हैं? हाउ मेनी राइट्स शुड बी फॉलो फॉर सेल्फ सेफ इंजेक्शन डिलीवरी? कितने होते हैं? फाइव राइट्स होते हैं, ठीक है बच्चों, फाइव राइट्स होते हैं। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट यूज यूज टू असिस्ट द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के असिस्मेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपने यूज करते हैं? क्या मोनोमेट्री है या आपका स्पेग्नोमेट्री है, स्पेग्नोमोनोमेट्री है, या फिर आपका ब्रोंकोमेट्री, या फिर आपका थर्मामीटर? तो आपका आंसर क्या जाएगा, सीधी सी बात है, बीपी यूज करने के लिए आप स्पेग्नोमेनोमेट्री है वो यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ बर्न बर्न ब्लिस्टर्स यू शुड, क्या होगा? तो बच्चों बर्न के दौरान हमारे को ब्लिस्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जले हुए फफोले आ रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए उनको, क्या ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, खुद हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमें जानबूझ के नहीं करना है, ठीक है। तो लीव द ब्लिस्टर्स अलोंग अनलेस द ब्रेक, ठीक है, हमें जानबूझ के नहीं फोड़ना चाहिए उनको, ठीक है, बर्न वाले केसेस के अंदर। तो बच्चों ये अपने क्वेश्चंस थे, शाम वाली क्लास है, बड़ी अच्छी क्लास है, ठीक है, सीएचओ और आपकी डीएमआरसी है जिसका एग्जाम है उसके लिए अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए शाम वाली क्लास आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके दिनेश सर हैं उनके द्वारा ली जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो क्लास को शेयर करना यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। बच्चों यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर शेयर करना, और शाम वाली जो 9:30 बजे क्लास होने वाली बच्चों आज उस क्लास को जरूर अटेंड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अभी आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिल गया होगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।